हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं अपने घर पे जो है वाईफाई राउटर लगवाने वाला हूँ, जो कि मैंने अप्लाई कर दिया था ऑनलाइन, और हमारे पास जो है लगाने के लिए आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से लोड़ी लगा करके वायर जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, पोल पर चढ़ाया हुआ है, और काफ़ी आसानी से यहाँ पे जो है लग जाता है यहाँ पे। और इसके जो वायर हैं दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, इतने पतले हैं, और बाल भी एक तरीके से जो है बाल होता है ना सर के हमारे, उससे भी महीन है, उसके अंदर भी वायर गए हुए हैं। ये फाइबर ऑक्टोपस केबल है, तो ये काफ़ी कमाल की है केबल, और काफ़ी ये मेरे जो है पूरा जो है वायरिंग करवा ली है। मैं यहीं पर जो है लगवाऊँगा राउटर। तो ये केबल जो है हमारा कनेक्शन दौड़ गया है। ये देखिए, ये राउटर जो है ये 5G राउटर है। यहाँ पर डबल सिग्नल मुझे मिलने वाले हैं, यहाँ पे 4G मिलेगा और जो है 5G मिलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है कनेक्शन हो रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी कमाल की ये मशीन है। और ये आपको जैसे हम लोग तार मोड़ते हैं वैसा कुछ भी नहीं सिस्टम है, यहाँ पर बाल से महीन तार है, बिल्कुल आसानी से ये जो है तारों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना महीन तार है, इसके अंदर की जो है तार है ये यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो है तार का कनेक्शन हो गया। अब इसमें जो है लगा करके इसको बिल्ड कर देंगे और ये बिल्कुल आपस में चिपक जाएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों, मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा, और इनका इंस्टॉलिंग का जो सिस्टम है वो भी पसंद आया। बोल रहे थे कि वीडियो आप बना रहे हो क्या, कंपनी पर भेजोगे क्या, तो मैंने पूछा नहीं, ऐसा कोई नहीं, मैं अपने चैनल पे डालूंगा। तो यहाँ पे जैसे ही जो है तार बिल्ड हो जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पे एक स्प्रे है, यहाँ पे एक केमिकल है, उससे स्प्रे करके जो है यहाँ पे इसको जो है डिब्बे के अंदर घुमा करके रख दिया जाता है, ताकि आपस में ये टच ना हो। काफ़ी कमाल का है दोस्तों, मैंने आपको पूरा जो है इंस्टॉलिंग करते हुए दिखाया पूरा सिस्टम यहाँ पर किस तरीके से जो है। मैं भी आपको एक बार फिर से दिखाऊँगा किस तरीके से जो है इसकी वेल्डिंग होती है, मैं आपको वेल्डिंग करते हुए भी दिखाऊँगा। काफ़ी आसान तरीका है दोस्तों, और बहुत महीन काम है, और यहाँ पे आप देख सकते हो तो काफ़ी महीन महीन तार है। तो ये यहाँ पे जो है बाहर वाले जो डिब्बे जो लटके रहते हैं, इनका पोल का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये इसके अंदर दोस्तों सिंगल तार होता है, एक सिंगल तार, और इतनी मोटी केबल होती है। अंदर तार तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन एक ही तार से यहाँ पर कनेक्शन आ भी रहा है और जा भी रहा है। अभी इसको बंद कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे राउटर में केबल लगेगी येलो वाली, अभी देखने में कितनी मोटी है दोस्तों। यहाँ पे भी इसको काट के जो है सब निकाल दिया जाएगा। ये देखिए, ये कितने तार हैं, इसमें जो है गर्दा लगती रहती है सब, तो इसलिए जो है यहाँ पे इसको भी जो है इसके अंदर दोस्तों सिंगल तार होता है। देखिए, नोच के फेंक दिया है, यही तार है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो यही तार है इसके अंदर। इसके अंदर ये निकाला गया, अभी देखिएगा इसके अंदर भी एक तार है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारी फाइबर ऑक्टोपस केबल जो आई हुई है, उसमें और इसमें जो है जॉइंट लगना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों किस तरीके से जो है इसमें धूल गर्दा ना जम पाए, इस वजह से जो है सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा कितना महीन इसके अंदर तार निकलेगा। ये देखिए दोस्तों, हो सकता हो आपको नज़र ना आ रहा हो, मुझे जो है मुझे भी नज़र नहीं आया था, बहुत देर मैंने देखा तब मुझे नज़र आया, और ये कैमरे में आपको बिल्कुल साफ लिए दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे दबाएंगे बिल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद जो है ये मशीन जो है, ये मशीन का सारा खेल है। यहाँ पे एक साइड पे इसको फंसाएंगे और दूसरी साइड पे जो है फाइबर वाली जो केबल आई हुई है हमारी, यहाँ पे देखिए कनेक्शन दे दिया है डिब्बी से छोटे से निकाल के, और काफ़ी जो है यहाँ पे तार निकलते हैं, लेकिन सभी तार को जो है जोड़ना नहीं होता है, इनमें से सिर्फ एक वायर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेन वायर, यही है, बस यही जो है इसमें ज्वाइंट हो जाएगा, उसके बाद जो है इसी से आपका इंटरनेट चालू हो जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा लाइव दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से एक तार ज्वाइंट होगा, आप लोग देखिएगा। इसको भी बिल्ड कर रहे हैं, ये देखिए दोस्तों बिल्ड हो गया। अब ये दोनों ही के जो है आपस में मशीन फंसा देंगे, एक साइड वो और एक साइड ये। अभी देखिएगा स्क्रीन पे आपको पूरा जो है वायर जो है जुड़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए बीच में कितना स्पेस है, और ये देखिए कैसे ये ज्वाइंट हो गया। ये देखिए दोनों ही तार जो है आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, और अब इसके बाद जो है इसको निकाल करके यहाँ पर जो वो लगाई थी इसको यहाँ पे इसको बराबर करके अब इसको भी जो है इस मशीन से जो है पिक्चर कर देंगे।
तो जैसे ये भी कंप्लीट हो जाएगा तो एक टीन से सीटी करके आवाज़ आती है, तो ये यहाँ पे नहीं काम रहता है इसमें। उसके बाद जो है यहाँ पर कनेक्शन करने होते हैं, तो ये भी देखिए दोस्तों, ये मशीन ने जो है सिग्नल दे दिया है। आप इसके बाद इसको भी निकाल करके जो है स्प्रे इसमें भी मार दिया जाएगा, ताकि जो है धूल गर्दा जो है यहाँ पे ना जमे। ये देखिए दोस्तों, वायर जो है बिल्ड हो गया है। अब ये थिनर से जो है यहाँ पे क्लीनर से इसको यहाँ पे प्रेस करके, और जो है मशीन का भी काम ख़त्म। अब इसको जो है इसके अंदर पैक कर दिया जाएगा, और डब्बे को जो है यहाँ पे सील पैक कर दिया जाएगा, ताकि जो है कोई दिक्कत वाली बात ना हो। यहाँ पे काफ़ी जो है महीन वायर है। मैं जो है आपको पूरा कनेक्शन करते हुए दिखा रहा हूँ यहाँ पे किस तरीके से। अभी जो येलो वाली केबल है, ये सीधे हमारे राउटर में जो है फिट हो जाएगी। तो जैसे ही हमारे राउटर में जो है यहाँ पे केबल फिट होगी, उसके बाद कुछ एक्टिवेट कराना पड़ता है कंपनी से, तो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है डाल दिया जाएगा, और ताकि आप जो है अपना इंटरनेट जो है यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे हम इसको जो है टेप से फंसा देते हैं, ताकि जो है कोई दिक्कत वाली बात ना हो। और यहाँ पे डिब्बे को भी जो है पैक कर दिया जाएगा। मैंने आपको जो है शुरू में दिखाया था 5G राउटर, तो यहाँ पे पूरा पैक हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैक हो गया है पूरा। और उसके बाद जो वायर जो है बाहर निकल रहा है, हम इसको अंदर कर देंगे, और इसका जो डब्बा है इसको बंद करके हम इसको सील पैक कर देंगे। तो बस ये इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। हम टेप मार देते हैं इसको पहले। टेप मारने के बाद बस अब जो है काम रह गया है, वो राउटर को जो है फिट करना है। वो भी सामने दोनों एक साथ ही, और राउटर और जो है सिग्नल जो है सब ऊपर जो है लगा देंगे। दोस्तों मैंने जगह जो है बहुत ही अच्छे चूज़ करी है, ताकि हमारी पूरी बिल्डिंग जो है कवर कर रही है, और साथ ही साथ रोड भी जो है कवर कर रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ ही पर मैंने लगा दिया है, हमें कमरे के बीच में ही मैंने लगाया हुआ है आंगन में अपने। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिवेट हो गया है, इंटरनेट वाली भी लाइन चालू हो गई है, और नेट भी यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। काफ़ी दोस्तों यहाँ पे बढ़िया स्पीड है, और ये जो मुझे इंटरनेट पूरा पड़ा है यहाँ पे, मुझे 3,000 रुपये मैंने जो है पे करे हैं। यहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन हुआ है, और साथ ही साथ जो है 3 महीने का मुझे फ्री इंटरनेट मिला है। अनलिमिटेड है दोस्तों, इंटरनेट की कोई भी कमी नहीं है, आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो इसको। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।